कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर 40 साल तक दुनियाए मौसीकी पर राज करने वाले शहनशाह गजल मेहदी हसन को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। आज मुल्क भर में उनकी बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मेहदी हसन सन 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान के इलाके लोना में पैदा हुए। मेहदी हसन का ताल्लुक मौसीकी के उस बड़े घराने से था जिन्होंने 16 पुश्तों तक मौसीकी की दुनिया पर राज किया। मेहदी हसन ने 1956 में रेडियो पाकिस्तान से गायकी का आगाज किया, जबकि 1962 में पाकिस्तानी फिल्म शिकार के लिए पहली मर्तबा गीत रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने मजमूई तौर पर 365 फिल्मों में अपनी सहर अंगेज आवाज का जादू जगाया। फिल्मी सनत में उनकी आवाज कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। मेहदी हसन ने 25,000 से जायद गीत और गजलें रिकॉर्ड करवा कर एक तारीख रकम की। उनके मदाहों का कहना है कि मेहदी हसन मौसीकी का एक पूरा अहद थे। उनकी राग और रागनी को दुनिया भर में शोहरत मिली, इसी वजह से मेहदी हसन को शहन शाय गजल के खिताब से नवाजा गया।